साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान डेविड वार्नर और क्विंटन डी कॉक के बीच हुए विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। डर्बन टेस्ट के चौथे दिन जब दोनों खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे, उसी दौरान वार्नर और डी कॉक आपस में भिड़ गए थे और दोनों के बीच हुई इस झड़प की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा यह जा रहा है कि डी कॉक ने वार्नर की पत्नी कैंडिस को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से वार्नर डी कॉक पर भड़क गए और दोनों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ वार्नर को समझाकर आगे जाने के लिए कहने लगे। दोनों टीमों के कई खिलाड़ी भी इस दौरान साथ में ही थे और इस मामले को शांत करने की कोशिश में लग गए थे। आपको बता दें कि वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि पहले उस्मान ख्वाजा, फिर टिम पेन और आखिरी में कप्तान स्मिथ वार्नर को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन वार्नर इतने अधिक गुस्से में थे कि वो वापस आ आकर डी कॉक को कुछ ना कुछ कह जरूर रहे थे। इस घटना को बढ़ता देख खुद साउथ अफ्रीकी कप्तान फाफ डुप्लेसी भी बीच बचाव में आए। हालांकि इस वीडियो में डी कॉक काफी शांत नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी इंग्लैंड के फैंस ग्रुप बार्मी आर्मी ने वार्नर की पत्नी को लेकर स्लेजिंग की थी। बार्मी आर्मी के फैंस ने एक गाने के जरिए कैंडिस पर सिडनी के एक बार के टॉयलेट में चुपचाप अपने बॉयफ्रेंड सोरी बिल से मिलने की घटना का जिक्र किया था। ये घटना साल 2008 की है, जब कैंडिस रग्बी प्लेयर सोनी बिल विलियम के साथ रिलेशनशिप में थी, जबकि वार्नर ने उनसे 2015 में शादी की थी। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।